नमस्कार, न्यूज़ इन साइंस में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे उस 2 से 3 इंच छोटे से जीव की, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हमारे सामने खाद्य सामग्री का संकट खड़ा हो सकता है। इस छोटे से जीव को हम टिड्डी के नाम से जानते हैं। टिड्डी एक कीट है, वैसे तो दुनिया भर में इसकी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन 4 तरह की टिड्डियां हैं जो टिड्डी प्लेग की स्थिति पैदा कर सकती हैं। रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी और पेड़ की टिड्डी। इनका जीवन काल 3 से 5 महीने तक का होता है। लोकस्ट यानी टिड्डियों का झुंड इन दिनों भारत के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में प्रकोप बना हुआ है और फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। भारत में टिड्डी पुराने टाइम से ही, बहुत ऐतिहासिक समय से ही, पाकिस्तान या पश्चिमी जो सीमा है भारत की, पाकिस्तान बॉर्डर, जिसमें खासकर राजस्थान का जो 4-5 सीमांत जिले हैं, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और पंजाब के कुछ हिस्से, कुछ गुजरात का जो सीमा से टच होते हैं, वहीं से टिड्डी का प्रवेश इस देश में, भारत में होता है। टिड्डी दलों के सबसे ज्यादा मामले अफ्रीकी देशों में होते रहे हैं और अब ये ईरान और पाकिस्तान होते हुए भारत में भी पहुंच गए हैं। पिछले कुछ सालों से हर साल जून जुलाई में टिड्डियां इस तरह का हमला करती हैं, लेकिन भारत में बीते दिसंबर के बाद टिड्डियों का यह दूसरा हमला है। कुछ झुंड इसके राजस्थान के सीमांत क्षेत्रों में या पाकिस्तान में बस गए थे, कुछ नर्मदा रह गई, वो वहाँ बची रही, उनको अनुकूल फलने फूलने के लिए, बढ़ने के लिए, झुंड बनाने के लिए अनुकूल माहौल मिला। कुछ पाकिस्तान साइड से या यमन या और जो दूसरी कंट्री हैं वहाँ से आ गए, तो दोनों मिलके ये झुंड इस फरवरी मार्च के बाद वापस फैलना, बढ़ना शुरू हो गया और अप्रैल मई में इसने झुंड बनाना शुरू कर दिया। वो फिर उड़ना शुरू हो गए, जो आजकल राजस्थान में, खासकर पंजाब के कुछ जिले, गुजरात, इवन एमपी में बहुत कम आती थी एमपी तक, लेकिन इस बार एमपी के भी कुछ जिलों में इसका आक्रमण, अटैक देखने को मिला है। टिड्डियों का झुंड रोजाना 130 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। अनुमान के मुताबिक एक टिड्डी एक दिन में 2 ग्राम तक वनस्पति खा सकती है, जबकि एक टिड्डी दल 2500 लोगों का खाना खा सकता है। ये फसलों के अलावा हरियाली और पेड़ों की पत्तियां भी चट कर जाते हैं। 10 से 4 किलोमीटर तक की रेंज का ये इसका झुंड बनता है और ये दिन में उड़ना शुरू करते हैं, सूरज उगने के बाद उड़ना शुरू करते हैं और जब शाम होती है तो ये जमीन पर, पेड़ों पर, जो भी फसलें होती हैं खेतों में, वहाँ पर बैठ जाते हैं। वो पौधे, फसलें, सब्जियाँ, फल, पत्तियाँ, पेड़ों की, सब कुछ जो भी मिलता है, इवन अगर भूखी अगर है ज़्यादा, तो सूखी चीज़ों को भी ये खा लेती है टिड्डी जो है, तो इसलिए बहुत, और ये एक झुंड में कई बार अरबों करोड़ों की संख्या में होते हैं, तो ये बहुत भारी नुकसान कर देते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक हिंद महासागर में पिछले दिनों कई चक्रवात उठने से बारिश का पैटर्न बदला और कई क्षेत्रों में समय से पहले बारिश होने से टिड्डियों के प्रजनन के लिए अनुकूल नमी ने इनकी प्रजनन क्षमता बढ़ा दी है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान होते हुए सैकड़ों एकड़ में फैली फसलों को खा जाते हैं। टिड्डी दलों की वजह से कृषि उत्पादन में कमी आ सकती है और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में खाद्य संकट पैदा हो सकता है। फिलहाल इस मुश्किल का स्थायी वैज्ञानिक हल तलाश किया जा रहा है। इन टिड्डी दलों से विमानों के लिए भी परेशानी खड़ी हो गई है, जिसे देखते हुए उड्डयन नियामक DGCA ने पायलटों को लैंडिंग और टेक ऑफ के समय भी अतिरिक्त सावधानी बरतने का निर्देश जारी किया है। भारत में टिड्डी दलों का पिछले 26 सालों में ये सबसे बड़ा हमला है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे, और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ इन साइंस। धन्यवाद।